हेलो बच्चों, आज हम प्रश्न वाले 1.1 का पहला सवाल करेंगे। उचित गुणनधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है माइनस के 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब इसमें अपन को बोडास नियम, जो नियम चलता है, पहले गुणा भाग गुणा जोड़ बाकी ये करना है। पहले तो इसको करना है, फिर इसको करना है, यानी पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो संख्याएँ कट रही है उसको काटना है, जैसे 3 से 3 कट गया। अब यहाँ बचा क्या, माइनस के 2/5। अब प्लस का चिन्ह वापस लगा दिया अपन ने, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो अपन को ऐसे की ऐसी संख्या को इसको उतारना है 5/2। अब यहाँ क्या करना है, 3 से काटना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह अपन ने लगा दिया। अब यहाँ क्या हो गया, 1/5 × 2, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया अपना 5 दूनी 10। अब इसको अपन को, इसके दो मेथड है, तो अपन एक पहले एक मेथड समझ जाते हैं, फिर एक और दूसरा मेथड समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें लेस लेना है। अपन का लेस क्या आ गया, इनको लेस अपन को करना है, तो लेस में क्या करना है, 5 को गुणा करना है 2 से, 5 दूनी 10, 5 × 2 बराबर कितना हो गए, 10। 10 हो गए हैं, तो ये 10 अपना ही आया हुआ है। दोनों संख्याओं को लेना, गुणा करना है 5 × 2, तो इसका लेस आ गया 10। अब अपन को क्या करना है, 10 को लेस ले लिया, ये 10 को लिख दिया 10। अब यहाँ क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 को अपन को 10 से क्या करना है, भाग करना है। भाग करने पर क्या आएगा, अपना जो भी आएगा उसको अपन को 2 से गुणा करना है। अब जैसे 5 को भाग दिया 10 को, तो 2 आ गए, 2 को 2 से गुणा करा, तो माइनस 2 दूनी 4, ये हो गए 4। प्लस का चिन्ह आ गया, ये हो गया प्लस। वापस यहाँ क्या करा अपन ने, 2 का भाग 5 10 में गया, 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा करा, 5 25, तो अपन ने यह लिख दिया 5 25। वापस माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस लिख दिया। 10 का भाग दिया 10 में 10, 1 ही आया, 1 को 1 से गुणा करा, तो 1 एकम 1। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 25 को लिखना है, ये हो गया 25। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस के 4 है, यहाँ माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ क्या हो गया, 4 और 1 कितने हो गए, 5, माइनस के 5/10। अब यहाँ 25 में से 5 गए तो कितने बचे, 20, तो यहाँ हो गया अपना 20/10। अब नीचे 0 है, ऊपर भी 0 है, तो 0 से 0 काट दो, इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, 2। ये अपना इसका आंसर आ गया। इसका एक और मेथड है, जैसे अपन ने क्या करा, वापस इन संख्याओं को, ये जो 2 संख्या है इसको लेनी है पहले और इसको करना है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने माइनस के 2/3, वापस ये संख्या लिख देता हूँ 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब यहीं वापस वही करना है, इसको करना है, पहले इनको काट देना है, 3 से 3 कट गया और 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया माइनस के 2/5। अब यहाँ क्या हो गया, प्लस 5/2। अब यहाँ कितने हो गए, माइनस 1/5 × 10, ये हो गए 10। अब यहाँ क्या करना है, अपन को इन दोनों को करना, पहले इसको ऐसे कैसे रहने देना, तो 5 को 2 से गुणा करा, वही 5 दूनी 10, अपन को क्या करना है, यह आ गया अपना 10। अब यहाँ क्या करा, 5 को 10 से गुणा करा, भाग दिया वही, तो 2 आ गए, 2 को 2 से करा, 2 दूनी 4, माइनस के 4। प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 का भाग दिया 10 में, 5 आ गए, 5 25, 5 25। अब यहाँ क्या हो गया, 25 में से 4 गए, माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन 25 बढ़े हैं तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। 25 में से 4 गए तो 21 21/10। अब यह अपन को लिख दिया यहाँ 1/10, वापस यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख दिया 1/10। अब यहाँ क्या करा, 10 एलसीएम अपने सेम आ रही संख्या, तो 10 का 10, 21 माइनस 1, तो अब यहाँ कितना आ गए, 20 हो गए, 21 में से 1 गया तो 20, 20/10, 0 से 0 कट गया, तो इसका आंसर अपना क्या आ गया, 2, ये इसका आंसर।